भैया ने सिकंजी बनाया, सिकंजी पी रहे, एक गिलास और पिलाने वाले। काफी टेस्टी बनाया और अच्छा लग रहा है। बाकी अभी ये भैया हमें नाश्ता लेके गए। जय श्री महाकाल दोस्तों। दोस्तों मैं कर रहा हूँ मुंबई से केदारनाथ नंगे पांव पैदल यात्रा, और आज मुझे 16 दिन हो चुके हैं। वैसा तो कल मैं मतलब परसों की रात को मैं यहाँ पे रुका था, कल मैं पूरा दिन यहाँ पे रुका था, कल मैं यात्रा नहीं किया। तो वैसे देखा जाए तो मेरा 15वें दिन का ये ब्लॉग है, लेकिन मैं 16 दिन मुझे आज हो चुके हैं मुंबई से निकले हुए। बाकी मैं किधर रुका था मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हो, ये भैया का घर है, बहुत ही बड़ा घर है। वहाँ पे भी एक कमरा है तो हम उसमें रुके थे, यहाँ भैया रुकते। फिलहाल तो अभी भैया बाहर गए हुए हैं, ये देखते होते कुछ ऐसा है। बाकी हमने अपना सामान वगैरह सब रेडी वगैरह कर लिया है। ये भैया ने जो बैग दिया था वो बैग के सेटअप पे हमने पूरा रेडी कर लिया है। ये बाकी ये हमारा बैग रहेगा अभी, और ये छोटा बैग है। बाकी जो टोपी मोबाइल जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है वो सब रेडी हो गया है। बाकी मैं यहाँ के बाहर का भी कुछ नज़ारा दिखा देता हूँ, कैसा दिखता है देखिए। यहाँ के बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, देखिए देख रहे हो, ये बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है। और उस सामने देख सकते हैं मेन हाईवे है। बाकी तो ये था हमारा कुछ ऐसा नज़ारा। तो दोस्तों अभी भैया यहाँ थोड़े देर में आने वाले नाश्ता वगैरह लेके, तो उनके साथ नाश्ता करेंगे। उसके बाद यहाँ से चलेंगे हनुमान मंदिर, जहाँ हम पहले रुकने वाले थे। हनुमान मंदिर से फिर हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज की जर्नी स्टार्ट करते। आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बार जोर से बोलते प्रभु शिव और रामचंद्र की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री महाकाल। फाइनली अभी भैया नाश्ता लेके आए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। क्या है भैया ये नाश्ते में? ये खमन है, ये जलेबी है। कहाँ से लेके आए हो? यहाँ से 2-7 किलोमीटर। ये स्पेशलिस्ट है आगे? हाँ स्पेशल। क्या बात है, मुंबई में भी मिलता है खमन ढोकला, लेकिन यहाँ का टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है। खमन ढोकला है, ऊपर से सेव डाला है, और ये जलेबी। तो चलिए भैया के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, इसके बाद हम निकलेंगे आगे की ओर। भैया तक, भैया का साथ यहीं तक है, बाकी अब केदारनाथ में मिलते पक्का मिलेंगे जरूर। मिलेंगे जरूर। तो फाइनली हम जहाँ पे रुके हुए थे वहाँ से अभी हनुमान मंदिर पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम स्टे किया था। मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हनुमान मंदिर है। अभी हम हनुमान मंदिर पे हमने कल यहाँ स्टे लिया था, इसके बाद हम गए थे अंदर। अभी यहीं से फिर जर्नी को कंटिन्यू करने वाले हैं। और भैया के साथ हम रुके थे 2 दिन, काफ़ी अच्छा लगा। भैया आपके साथ 2 दिन रहे, एकदम फैमिली जैसी फीलिंग लगी, आपको कैसा लगा? बस बढ़िया लगा। चलिए बहुत, मतलब अभी मैं वर्ड नहीं है बोलने के लिए। बाकी दोनों भैया ने स्वागत किया, अभी भैया दिल से धन्यवाद। चलिए हर हर महादेव। सुबह के 10 बज चुके हैं और हम कल यहाँ पे रुके हुए थे वहाँ मंदिर में। जैसा कि भाई भैया लोगों ने हमारा स्वागत भी किया हाथ फूल माला से, तो भैया लोग को दिल से धन्यवाद। उसके बाद उन्होंने विदा भी किया, भैया के साथ 2 दिन घर पे रहे, एकदम फैमिली जैसी फीलिंग मिली। उन्होंने हमारा खूब अच्छे से स्वागत किया, बहुत ही मज़ा आया। बाकी अभी सुबह के 10 बज गए, हम रेडी वगैरह होके मंदिर में दर्शन करके हनुमान जी के निकल गए। वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर आगे आ गए। बाकी मैं दिखाता हूँ अभी का कुछ ऐसा नज़ारा मेन हाईवे का। देखिए यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे था मंदिर, ये कुछ ऐसा नज़ारा है। और धूप भी निकल गया है, वैसे तो धूप कुछ धूप नॉर्मल है फ्रेंड, गर्मी बहुत 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 कड़क वाली हो रही है, सच बोलूँ। बाकी ये कुछ ऐसा नज़ारा, तो चलिए चलते हैं आगे। दोस्तों अभी चलते चलते दोपहर के 1 बज गए और गर्मी काफ़ी भयंकर वाली हो रही है, तो और पाँव पूरे जल रहे, चलने भी नहीं जम रहा है, आप देख सकते हो। ये सामने मेन हाईवे है, कुछ ऐसा नज़ारा है। तो अभी हम यहाँ पे एक छाँव है, एक ऐसा स्टोर बना हुआ है, तो यहीं पे अभी हम रुके हुए हैं। तो अभी हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, बाकी देखते हैं, खाने का तो कोई बंदोबस्त नहीं है, जो अपने पास नमकीन बिस्किट्स वगैरह वही खा के चलेंगे। बाकी का मैं कुछ ऐसा नज़ारा दिखा रहा हूँ, यहाँ पर हम रेस्ट किए हैं। चलिए बिस्कुट्स नमकीन वगैरह खाते फिर आगे चलते। तो चलते चलते शाम के 4:30 बज गए और हम पहुँच चुके हैं नवसारी में। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस साइड से हम आए हैं, ये कुछ ऐसा नज़ारा है नवसारी का। धूप अभी भी काफ़ी कड़क है। ये नवसारी का सामने देखिए 4 रास्ता है, यहाँ से लेफ्ट मारेंगे तो नवसारी के लिए अंदर जाएगा। देखिए लिखा है ना नवसारी, एरो बना है लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड नवसारी है। बाकी हमें तो सीधा बायपास होते हुए जाना है हाईवे टू हाईवे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों अभी चलते चलते शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं पूर्णा रिवर पर। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए पूर्णा रिवर का कितना खूबसूरत नज़ारा, देख रहे हो, यह है पूर्णा रिवर। और सामने देखिए सूरज का व्यू कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये पूर्णा रिवर है और ये कुछ ऐसा है आसपास का नज़ारा, ये
ये देखिए कुछ ऐसा रूप है आसपास का, देख सकते हो। इस साइड से आए हैं, इस साइड चलना है। चलिए दोस्तों अभी कंटिन्यू चलते चलते शाम के 6 बज चुके हैं। कौन सा गांव है? अम्बालपुर नवसारी में। कौन सा? अमलपुर। ओ तो अभी हम अमलपुर में पहुंच गए हैं। ये देख सकते हो सामने ये पूरा हाईवे का कुछ ऐसा नजारा है। और ये भैया अभी ये भैया ने सिकंजी बनाया, सिकंजी पी रहे, एक गिलास और पिलाने वाले। काफी टेस्टी बना है, अच्छा लग रहा है। बाकी अभी ये भैया हमें नाश्ता लेके गए हैं। भूख काफी ज्यादा तेज लगी है, तो क्योंकि सुबह से हम बस चाय नाश्ता किए थे, उसके बाद से अभी ना हमने कुछ खाया था ना कुछ पिया है। तो अभी ये सिकंजी पीते नाश्ता वगैरह करते फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों चलते चलते शाम के 6:50 लगभग हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप मोबाइल में देख सकते हैं 6:49 हो रहा है अभी। और अभी का नज़ारा देख रहे हो, सूरज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम गोल और एकदम लाल कलर का लग रहा है। इतना बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू नज़ारा लग रहा है। और ये कुछ आसपास का ऐसा नज़ारा है, सनसेट होने ही वाला है समझ लो। देखिए कुछ ऐसा नज़ारा है। और गर्मी बहुत भयंकर वाली है फ्रेंड्स, सच में। चलिए चलते हैं आगे। कंटिन्यू चलते चलते अभी रात के 10 बज चुके हैं और अभी हम हैं तकरीबन आई थिंक नवसारी से तकरीबन 7-8 किलोमीटर आगे हैं एक जगह। और हमें रुकने का कहीं भी बंदोबस्त नहीं मिल रहा था अभी, तो अभी एक पेट्रोल पंप पे हम रुके हैं। पेट्रोल पंप पे अभी भैया से बात किए, सामने देख सकते हो ये एक पेट्रोल पंप है। तो इसी पेट्रोल पंप पे हमने बात किया तो उन्होंने रुकने की व्यवस्था दे दी। और सामने एक ये जगह है, इसके अंदर जितने भी ड्राइवर्स वगैरह वर्कर्स वगैरह सब रहते हैं, अंदर खाट वगैरह सब दिया है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए अंदर का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये सामने यहाँ पे लाइन से टेबल्स वगैरह लगाए गए हैं। तो अभी आज हम यहीं स्टे करेंगे फ्रेंड्स। और सच बोलूँ अभी मेरे पैर में ना एक पत्थर धस गया है, बहुत दर्द कर रहा है, सूज गया है। देखते कल चलने कैसे जमता है। अभी यहीं पे आराम करते, भैया ने खाने का भी व्यवस्था किया है, खाते आराम करते फिर कल की यात्रा आगे स्टार्ट करेंगे। चलिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते, मिलता हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में कुछ नए उमंग, नए जोश, नए उल्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री माता। दिन रहे एकदम फैमिली जैसी फीलिंग लगी, आपको कैसा लगा? बस बढ़िया लगा। चलिए बहुत, मतलब अभी मैं वर्ड नहीं है बोलने के लिए। बाकी दोनों भैया ने स्वागत किया अभी भैया।